बस ज्यादा वक्त नहीं, 15 से 20 मिनट हमारे खतीब हिंदुस्तान हजरत साहिब अली साहब ने 15 से 20 मिनट वक्त दे दिया। आप लोग घबराइए, मैं बोझ नहीं बनूंगा, इसलिए कि पता है तो एक एक से बैट्समैन आते हैं और छक्का चौका लगा कर चले जाते हैं। तो सबसे ऑलराउंडर बैट्समैन हमारे हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब छक्का लगा चुके हैं और हमारे अबरार भाई भी चौका छक्का लगा चुके हैं। हम लोग तो इक्की दुक्की वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे जो है अंपायर हाजी साहब हैं और जो है नेक अंपायर जो है हमारे साहिब अली साहब हैं और जो है और अभी बहुत से प्लेयर बाकी हैं जो एक बाद धीरे आते रहेंगे और मैच को जीत कर ही जाना। आज ये मैच जो है जीत कर ही जाना ना, इंशाल्लाह। आप लोग घबराइए मत, बस वक्त कम है मगर आप लोगों में दम है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व अहलि बैतिहि व नासिर बैन अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين جسکو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا پرائمری پڑھے ہیں نا بولو بھائی کچھ تو انگریزی جانتے ہی ہوں گے جسکو میرے نبی سے سیٹلمنٹ ہو گیا जन्नत भी उसके हक में परमानेंट हो गया। जिसको मेरे नबी से सेटलमेंट हो गया जन्नत भी उसके हक में परमानेंट हो गया। और टकराया जो नबी से तो तारीख है गवाह, दोनों जहां में उसका एक्सीडेंट हो गया। सुभान अल्लाह बेटा, टकराया जो नबी से तो तारीख है गवाह, दोनों जहां में उसका एक्सीडेंट हो गया। और आका ने जब इशारा किया जानिबे कमर, कमर के माने चांद, आका ने जब इशारा किया जानिबे कमर, दो टुकड़े हो गए चांद भी परफेक्ट हो गया, दो टुकड़े हो गए चांद भी परफेक्ट हो गया। और क्या शान है खुदा की कसम शान मुस्तफा, क्या शान है खुदा की कसम शान मुस्तफा, जिस पर नजर पड़ी वही सर्वेंट हो गया, जिस पर नजर पड़ी वही सर्वेंट हो गया। और होगी कबूल तेरी शफाअत मेरे रसूल, होगी कबूल तेरी शफाअत मेरे रसूल, इस बात पर खुदा से अग्रीमेंट हो गया, इस बात पर खुदा से अग्रीमेंट हो गया, इस बात पर खुदा से अग्रीमेंट हो गया। आइए नहायत अकीदत और मोहब्बत के साथ पूरे लगन और मगन के अंदाज में हुजूर सरवर कायनात फखरे मौजूदात मक्के के सरदार मदीने के ताजदार महबूब परवरदिगार आलम के बारगाह परवेकार में झूम कर दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना नबीना मौलाना मोहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम कर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी ने क्या कहा या रसूल अल्लाह, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका, और हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। और उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे, उम्मत गुनाहगार है, उम्मत को बख्श दे। परवरदिगार से ये निवेदन है आपका, परवरदिगार से ये निवेदन है आपका। और सगरा कलेश जावत है वो मोरा मोहम्मद आवत है, सगरा कलेश जावत है वो मोरा मोहम्मद आवत है, कलमे की बजावत बांसुरी सगरो नूर बरसावत। ईसा गए कुछ दूर तलक, मूसा गए कुछ दूर तलक, ईसा गए कुछ दूर तलक, मूसा गए कुछ दूर तलक, आगे चला जिब्रील जड़त है जहाँ मोरा मोहम्मद जावत।
आगे चला जिब्रील डरते हैं जहाँ मोरा मोहम्मद जाओ थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिए और सौदाए करबला के हवाले से शेर समाप्त फरमाए थर्रा गए दुश्मन सुने नारा हुसैन का मचल के बोलती थी थर्रा गए दुश्मन सुने नारा हुसैन का चमक रहा था रण में सितारा हुसैन का। एक और हुसैन भाई सफाई मचाते थे दुश्मन लड़े भागे न गुजारा था। और किसी इंग्लिश दा ने क्या कहा कि शेरे खुदा इस प्रेतियर पार आई कर शेरे खुदा इस प्रेतियर पार आई कर इमाम हसन हुसैन जंग में थे भाई बिरादर ए कोफियों क्या चाहते हो सारी असगर यू फेस फॉर फाइनेंस लास्ट। तो आइए फिर दुर्दे पाक पर अल्लाह हुम्मा सल्ली अला सैयदना व शरीना नबीना मौलाना मुहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दास अल्लाह तआला सल्लम सभी उलमाए का महदहाने खैरुल अनाम आपके रूबरू आए और नाते मुस्तफा को गुनगुनाए। अगर इजाजत हो तो ये शेर मैं भी इजाजत है इब्राहिम भाई क्योंकि हाजी साहब तो देख करो तैयार आए हैं। हम लोग अभी तसव्वुर में ख्याल करते हैं कि आका का दयार कैसा होगा तो शायर क्या कहता है कि मैं क्या बताओ कैसा मैं क्या बताओ कैसा वो पूछे नबी के माना गली होता है और सरकार की गली पूछे का क्या कहना है कि मैं क्या बताओ कैसा वो पूछे नबी है कि जन्नत से खूब सोरा अरे जन्नत से खूब मैं क्या बताओ कैसा वाह वाह क्या कहना वाह 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 कि चन्ना से खूब सोरा अरे चन्ना से खूब मैं क्या बताओ कैसा वो कुछ नबी है। और बहुत से अल्लाह के मुकद्दस वली दुनिया में ऐसे भी हैं जिनको ईमान से फेरने के लिए बादशाह वक्त ने उनको जेल खाने में कैद कर दिया और हाथ में हथकड़ियां पांव में बेड़ियां लगा दिया मगर उनके ईमान का क्या करना अल्लाह के महबूब से इतनी मोहब्बत थी मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि जब जब नमाज का वक्त होता था तो जेल के दरवाजे खुलते हुए नजर आते कि पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी है अरे पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी है अरे पांव में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ी है कि शेरे खुदा के लब पे शेरे खुदा के लब पे फिर भी नबी नबी है जन्नत से खूब सूरत सरकार के गले है।
जिसके दिल में अल्लाह रसूल से मोहब्बत होगी, शोदाए करबला से मोहब्बत होगी, गौसे आजम से मोहब्बत होगी, गरीब नवाज से मोहब्बत होगी, आला हजरत से मोहब्बत होगी, मखदूमे सिमरानी से मोहब्बत होगी, और ईरान शाह रहमतुल्लाह से मोहब्बत होगी, औलिया इकराम से मोहब्बत होगी, कल मैदान महशर में उनके वो उतने ज्यादा करीबी होगी। और जब दुनिया से वो इंसान रुखसत होगा तो प्यारे आका उसके बारे में क्या फरमाएंगे, शेर समाप्त फरमाएं कि मरकत के ऐ फरिश्तों सोने दो चैन से अब। मरकत कहते हैं कब्रिस्तान को, कब्र को, कि मरकत के ऐ फरिश्तों सोने दो चैन से अब। सरकार कह रहे हैं, सरकार कह रहे हैं ये मेरा उम्मत है, जन्नत से खूबसूरत सरकार के गले। और जिसके दम कदम से हमारा, हमारे मुल्क का, हमारे वतन का, हमारे देश का वजूद है, हिंदुस्तानियों का वजूद है, उसकी बारगाह में चलते हैं, यानी गरीब नवाज के दम कदम से हम सबका वजूद है। शायर क्या कहता है, ये सरकार हो किसी की हिंदुस्तान लेकिन, सरकार हो किसी के हिंदुस्तान लेकिन, अरे दरअसल में हुकूमत, अरे दरअसल में हुकूमत फाजा के चल रहे, अरे जन्नत से खूब सोरा सरकार की गली है, अरे जन्नत से खूब। तारीख की रोशनी में ये आखिरी इस कबीले का आखिरी शेर समाप्त होना है। आका के पसीने मुबारक की फजीलत सुनिए, आका के पसीने मुबारक का क्या कहना, जिस गली से, जिस रास्ते से, जिस कूचे से आका गुजरते थे, सहाबा इकराम को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि पसीना मुबारक की खुशबू बता देता था कि आका इस गली से, इस रास्ते से गुजर के दुल्हन को मिल गया था सरकार का पसीना, अरे दुल्हन को मिल गया था सरकार का पसीना, अरे जो नस्ल आ रहे हैं, जो नस्ल आ रही है वो भी महक रहे, जन्नत से खूब सूरत सरकार की गली है। मैंने आयत मुबारक की तिलावत का शर्फ हासिल किया, रब ताला कलाम में मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ महबूब संपूर्ण जगत के लिए दयालु बनाया है, ऐ महबूब हमने आपको आलम के लिए मेहरबान बनाया है, ऐ महबूब हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाया है, इसलिए रब ताला फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। हाल तो यह कि प्यारे आका भी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे, मगर आपके नाम का डंका बज रहा है। ऐ इंसानों सुनो सुनो, प्यारे आका आए 1400 बरस पहले मक्का की सरजमीन पर, आपके आने से हजारों बरस पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर धूम मचा हुआ था, हिंदुस्तान के प्रधान विद्वान मनोज आपके आमद की खबर दे रहे हैं, और वो बातें आज भी हिंदू समाज की प्राचीन पुस्तक जिसका नाम भविष्य पुराण है, किताब का नाम सुना है जिसका नाम भविष्य पुराण है, और वो बातें उसमें नजर आ रही है, सुना दो, सुनाओ कहिए सुभान अल्लाह। प्यारे आका अभी 1400 बरस पहले आए, मगर आपके आने से 1000 बरस पहले वो किताब लिखी गई, और उसमें आपके वाक्य मेराज को बयान करते हैं। आज की रात है जब प्यारे आका मौला के दीदार के लिए अर्श आजम बढ़ गए थे, तो हिंदुस्तान वालों
भगवान ने अपने पुस्तक में अपने ग्रंथ में लिख दिया, क्या लिखा, कौन विश्वास प्रार्थ सुभाष मरो हे देवदत्तम जगतपति, संसार का पति बालक जहान का परवरदिगार रब्बुल आलमीन भेजेगा उन्हें चीने खोला देकर आकाश की सैर कराएगा, अस्मा सुपर हुई देवदत्तम जगतपति, ये कौन देगा, इस्लामी इतिहास साक्षी है, इस्लामी तारीख गवाही दे रही है कि परवरदिगार आलम ने अपने महबूब को मेराज में जाने के लिए जन्नती सवारी दे दी जिसका नाम है बुर्रा, पूरे शहर का सर उज्जवल हो गया, इलाके का इलाका चमका गया, जो बड़ी बिल्डिंग एक तल्ला दो तल्ला दस तल्ला पचास तल्ला और कलकत्ता का धर्म, बिजली की रफ्तार का ये आलम है जिसे हम बर्क कहते हैं, रफ्तारे बढ़ क्या हो गई है तो रफ्तारे बुर्रा क्या होगा, और आलम ये रहा जैसे रे बीती रहे अरे बिस्तर बिरा कर में एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, एक पल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, रफ्तार भी मिसाल, आधार भी मिसाल, गुफ्तार भी मिसाल, नबी की शरीयत भी मिसाल, नबी का सोना भी मिसाल, नबी का झगड़ा भी मिसाल, नबी की हर हर अदा भी मिसाल, और जो सुन्नत रसूल को अपना ले वो भी बेमिसाल, आज दिया की प्यारे आका की जलवागरी हो रही है और हिंदुस्तान के प्रकार विद्वान मनुष्य आपकी आमद की खबर दे रहा है, अल्लाह ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो खाली हाथ नहीं भेजा, ऐ जगत वालों, ऐ संसार वालों, ऐ वर्ल्ड वालों, ऐ कायनात वालों, ऐ हिंदुस्तान में रहने वालों, जिस पावर को देकर अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है उस पावर को सुन लो, वो पावर क्या है, वो तुम्हारे पुस्तक का पावर है, वो तुम्हारे ग्रंथों में है, ऋग्वेद उठाइए, ऋग्वेद का पावर है, ऋग्वेद का मंत्र है जो अल्लाह ने अपने महबूब को देकर भेजा ताकि दुनिया वाले इस मंत्र का अध्ययन कर लेंगे, इसका जाप कर लेंगे, इसको दिल में बसा लेंगे तो उनका ठिकाना, उनका प्रवेश मरने के बाद स्वर्ग हो जाएगा, उनका ठिकाना मरने के बाद वैकुंठ हो जाएगा और दाखला जन्नतुल फिरदौस हो जाएगा, पावर क्या है, तो आइए तेजी के साथ चलता हूँ, वो पावर ये है ऋग्वेद का मंत्र है, ला इलाहा हरदी बाबा मिल्ला लम्बा ब्रह्मदम बैकुंठ जपे नाम मोहम्मद, जिसने सिर के दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह उसके हृदय साफ हो गए और उसके हृदय पे जितने गंदगियां थी, जितने गुनाह थे, जितने पाप थे, सबके सब नष्ट हो गए, सबके सब खत्म हो गए, अब उसका दिल साफ हो गया, और जिसने सिर के दिल से पढ़ लिया मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब मरने के बाद इंतकाल के बाद देहांत के बाद उसका डायरेक्ट प्रवेश स्वर्ग हो जाएगा, हदीस पाक में आता मन का जिसने सिर के दिल से पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो, अब इस कलमे की हकीकत, इस मंत्र की हकीकत आइए, बनारस की सरदाई में एक संत है जिसका नाम है तुलसीदास, तुलसीदास का नाम सुना है, तुलसीदास है, तुलसीदास से आलम तसव्वुर में मैंने सवाल किया, तुलसीदास आप बताइए ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, सामवेद पढ़े, अथर्ववेद पढ़े, 18 पुराण का अध्ययन किया, 6 शास्त्रों को दोहराया, बताइए उस कलमे के बारे में, उस मंत्र के बारे में जो आपके ऋग्वेद में आता है उसकी हकीकत बताइए, तुलसीदास गंगा के घाट पर बैठ जाते हैं और अपने चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और कलम लेते हैं और कॉपी लेते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं, क्या लिखते हैं कि काशी करवट पाद है पंडित है सबका, कि काशी करवट पाद है पंडित है सबका, वैकुंठ पास ना हो बिना मोहम्मद ना,
तुलसीदास कहते हैं कि काशी उलट पलट जाए, कई फेरा ले चक्कर मारने लगे, सारे विद्वान मिलकर काम करे कुछ नहीं होगा, जब तक के ऋग्वेद के मंत्र का ध्यान न कर ले, उसको दिल में बसा ना ले और जुबान से इकरार न कर ले, तब तक उसका ठिकाना वैकुंठ नहीं हो सकता, तब तक उसका प्रवेश स्वर्ग नहीं होगा, तब तक उसका दाखला जन्नत नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों आइए आगे बढ़िए, डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय जो भी आदमी के पंडित हैं वो भी नबी की शान में क्या कहते हैं कि आग मेरे ले चले ये मन आने, अरे महिमा मोरे सको जग जाने, संसार का पालनहार है, उसने चाहा कि कोई मुझे जाने माने पहचाने, उस वक्त कोई हो तब न जाने, उस वक्त कोई हो तब न पहचाने, उस वक्त कोई हो तब न जाने, न उस वक्त जमीन में थी न आसमान, न चाँद था न सूरज, न सितारे थे न सैयारे, न पूरब था न पश्चिम, न उत्तर था न दक्षिण, न जब था तब था न कब था, रब ही रब था, पहचानता कौन मानता कौन, उसकी प्रशंसा कौन करता, उसके गुण को कौन गाता, उसकी खूबियों को बयान कौन करता, तब उसने अपने जोश से जोश पैदा किया, अपने प्रकाश से प्रकाश पैदा किया, अपने लाइट से लाइट पैदा किया और अपने नूर से नूर पैदा कर दिया। कभी दिक्कत है कि तुम जाते से तारे को आता है महामत नाम पुकारा, मेरे दोस्तों प्रिय सज्जनों आदरणीय बंधुओं, उसी ज्योत का नाम, उसी लाइट का नाम, उसी प्रकाश का नाम, उसी नूर का नाम है। कभी जी कहते हैं दुनिया में बेशुमार नाम है, अरबों खरबों नाम है, लेकिन इन सारे नामों में श्रेष्ठ नाम, सारे नामों में ब्यूटीफुल नाम, सारे नामों में अच्छा नाम, सारे नामों में सुंदर नाम, सारे नामों में खूबसूरत नाम कौन सा है, तो फिर कविता के रूप में क्या कहते हैं कि सौ कुल नाम में ओ पर धाना, लौ है बस रातें खत्म हो सकती है, मगर सरकार की गाड़ी बात है नहीं खत्म हो सकती है, कई रात कई दिन, कई रात कई दिन खत्म हो सकते हैं, मगर सरकार की प्यारी बातें नहीं खत्म होंगे। इसलिए डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय क्या कहते हैं कि सुंदर रूप कमल मुस्काए और नाम मोहम्मद जग जग छाए, जिस रात्रकार दुनिया में उभरो जलालत की दुनिया में जब मेरे नबी का नाम आया पूरे दुनिया को रोशन मुनव्वर कर दिया। आज की रात है जो मौला अपने महबूब को अर्श आजम पर बुलाया और जिब्रील अमीन को भेजा, ए जिब्रील जाओ मैंने मैं आपके साथ सुनाकर रुखसत हो जाऊं क्योंकि उलमा इकराम का जमने का फिर है, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब से कह दो कि रब ताला आपको दीदार से मुसर्रफ कर। जिब्रील अमीन आने लगते हैं, रब ताला कहता है जिब्रील रुको इधर आओ, कहां जा रहे हो, कहते हैं आपने कहा है मौला तुमने कहा कि जाओ मेरे महबूब को लाओ इसलिए जा रहा हूँ, मौला ने कहा सुनो अकेले मत जाओ बल्कि 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर जाओ। जिब्रील अमीन आए 70,000 फरिश्तों को साथ में लेके, प्यार का रात का सन्नाटा है, 12 बज चुके हैं, रात के सन्नाटे में अपने फूफू जान फूफी जान कहते मिहारी रजिला तारा के घर आराम था, नबी सो रहे हैं आंखें बंद है मगर दिल जाग रहा है, सुभान जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों को लेकर आते हैं और चक्कर लगाते हैं कैसे बेदार करूं कैसे जगाऊं, आका तो सो रहे हैं क्योंकि जिब्रील अमीन देखते हैं कि आंखें बंद है, प्यारे आका सो रहे हैं, सोचते अगर जगाता हूं तो बेदबी होती है, इसलिए चक्कर काट लेते हैं, जब नहीं पता नहीं कुछ मालूम होता उसके बाद रब की बारगाह कहते हैं मौला महबूब तो सो रहे हैं जगाऊंगा तो बेदबी होगी, रब ताला ने फरमाया
मेरे महबूब को ऐसे न जगाना क्योंकि बेदबी होगी। मेरे महबूब को ऐसे जगाओ कि मेरा महबूब जब सोया है तो उसके तलवे को चूम लो और मेरा महबूब बेदार हो जाए। जिब्रील अमी आए और अपना अल्लाह के महबूब को एक तलवे मुबारक को चूमा, आका बेदार हुए। फरमाया है जिब्रील, अरे इस रात के सन्नाटे में क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों तलवार चूम रहे हो? जिब्रील अमी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको अर्शे आजम पर बुलाया है, आपको अपना दीदार कराएगा। प्यारे आका सोचे कि चलो मूसा अलैहि सलाम से खाली बात ही हुई और उसको अल्लाह का दीदार होगा। सुभान अल्लाह। और कहते हैं, यार सुल्ला भी मत जा, अभी रुकिए, मैंने आपके तलवे मुबारक को चूमा है तो 70,000 फरिश्ते भी आपके तलवे मुबारक को चूमेंगे। इसलिए अब अल्लाह ने वक्त को रोक टाइम को रोक दिया, 70,000 फरिश्ते बारी बारी चूम रहे हैं। अब चलने की तैयारी हुई तो प्यारे आका ने फरमाया, जिब्रील जब तूने तलवे को मेरे तलवे को चूमा तो तुम्हें कैसा महसूस हुआ? तो जिब्रील अमी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन को छाना, मैंने आसमान को छाना, मैंने जन्नत को देखा और ऐसा खुशबू मुझे कहीं नहीं मिला जितना खुशबू, जितनी खुशबू आपके तलवे मुबारक से मुझे मिली। Hey!